Today, basically, we will be discussing chapter 3, image file formats. In last class, हम लोगों ने image data types के ऊपर थोड़ी सी बात की थी, जिसमें हमने 1-bit image, monochrome image, 8-bit images, grayscale और color images, 24-bit images के ऊपर हमने थोड़ी सी बात की थी, what those images are and how we use them. Okay. Based on that, basically, we have now image file formats that we use, and हम उनको फिर उसी हिसाब से categorize करते हैं based on their bit value. File formats are basically something very common, जिसके तहत हम images की file types बताते हैं, जैसे GIF, PNG वगैरह हो गए. All these images again rely very heavily on something called pixels. Okay, or pixels basically meaning that your pixels that are displayed on your screen. So file formats way or data types way, ये दोनों हमारे pixels के ऊपर heavily rely कर रहे होते हैं. This is something जो हमने पहले भी थोड़ा बहुत discuss किया हुआ है, थोड़ी सी कुछ information इसकी थी, हमने दोबारा से यहाँ पे मैंने slide में रखी है. That when we display our screens, तो हमारी screens के ऊपर भी basically it's a combination of pixels. Okay. अब ये वो चीज है जो कि हैवीली रिलाई करती है ग्राफिक्स के अंदर. ग्राफिक्स के ऊपर हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि हमारी स्क्रीन किस तरह से और किस कॉम्बिनेशन के साथ बनी हुई है. जो पिक्चर्स हम बना रहे हैं, क्योंकि वो पिक्चर्स भी फिर हैवीली उन्हीं पिक्सल्स के ऊपर रिलाई करती है. नॉट ओनली दैट, लेकिन जब हम उसकी प्रिंटिंग की तरफ जाते हैं तब भी हमारे पास यही पिक्सल्स मैटर करते हैं, और स्क्रीन प्रिंटर्स हो गए वो भी इन्हीं पिक्सल्स को मद्देनजर रखते हुए हमारे पेपर के ऊपर जो है कंटेंट को प्रिंट कर रही होती है. ओके, सो व्हाटएवर वी डू वी हैव टू कंसीडर दैट कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली. ओके, सो एक चीज हमारे इसमें रेजोल्यूशन हमने डिस्कस की थी. फॉर एग्जांपल, इसमें 640 पर 480 रेजोल्यूशन लिखी हुई है. इसका मतलब ये होता है कि वो 640 पिक्सल्स इन एक्स एक्सिस एंड 480 पिक्सल्स इन वाई एक्सिस होते हैं. ओके, व्हिच बेसिकली रिप्रेजेंट्स दैट आवर पिक्सल्स आर combining your entire screen, और उसमें total 640 pixels एक तरफ और 480 pixels दूसरी तरफ होते हैं, और उनकी combination हमें total pixels provide कर रही होती है. जब हम 8-bit pixels की हमने बात की थी, तो इसका मतलब ये कि हमारे pixels के पास 256 unique colors आ जाते हैं. 256 unique colors का मतलब ये कि each pixel is now able to represent 256 unique colors on our screen. इसी तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने जाओगे, बेसिकली दैट ऑब्जेक्ट इज नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स. चाहे वो लाइन बना रहे तो वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स इन फॉर्म ऑफ लाइन बनेगी. व्हेन वी क्रिएट अ कर्व, वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स इन फॉर्म ऑफ कर्व बनेगी. स्क्वायर बना रहे हैं तो वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स है स्क्वायर में. अब सिर्फ डिफरेंस होता है कि जो शेप आप बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो इमेज आप दिखाना चाह रहे हैं, उसमें उस पर्टिकुलर पैटर्न पे पिक्सल्स का एक कलर इनेबल हो जाता है. चाहे वो आपकी अपनी पिक्चर हो, चाहे वो कोई सीनरी की पिक्चर हो, कुछ भी हम देख रहे होते हैं, बेसिकली उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, पिक्सल्स हमारे पास वाजे हो जाते हैं. ठीक है, उस पिक्सल्स के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं, वो एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट और उनके दरमियान के जो कलर्स हैं, वो भी बेसिकली कलर पिक्सल्स कहलाते हैं. चाहे वो बॉर्डर पिक्सल्स हो, चाहे वो सेंटर के कलर एरिया फिल हो, एवरी ऑब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन हमारे पास पिक्सल्स से बनती है. तो जब हम फाइल फॉर्मेट्स के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे भी हमें वही चीज को, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होता है. इवन ऑल दिस फाइल फॉर्मेट्स आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग कॉल्ड पिक्सेल्स. फाइल फॉर्मेट्स बेसिकली रिप्रेजेंट दोस पिक्सेल्स एंड सेव दोस पिक्सेल इंफॉर्मेशन इन अ फाइल. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फाइल फॉर्मेट्स स्पेसिफिकली, हम उसको उनका बेसिक मतलब होता है कि ये जो पिक्सेल की इंफॉर्मेशन की हम बार बार बात कर रहे हैं कि पिक्सेल्स और स्क्रीन पर ये ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन वो एक्चुअली किसी फाइल में सेव करते हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप उस चीज को दोबारा देखना चाहो, so you can view that information. Yes, bacha. Sir, तां जी तावा सी कुल पे इतके मतलब तां पूरी गाल के ऊपर पूरी गाल कट जे पे सिर्फ आखर जब वर्ड सेशन पे आ वर्ड सेशन पे आ बेटा, मैंने पहले कहा कि आज थोड़ा सा नेटवर्क का हमारे पास प्रॉब्लम है, बार बार कनेक्ट और डिसकनेक्ट हो रहा है, तो आई गेस ये इस चीज में शायद इस वजह से हो रहा हो. ठीक है, वरना मेरे पास यहाँ से बाकी चीजें ठीक है, बट ये नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा कि आवाज जो है वो लैग हो रही है. अल्लाह हू अकबर. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट दिस लेक्चर सो दैट यू कैन व्यू इट लेटर ऑन. ठीक है, बाकी एज आई सेड ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है बेटा, और इसको हम मैं अपने एंड पे और कुछ नहीं कर सकता. नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है आज हमारे पास. ठीक है, तो आई विल ट्राई टू यूज अ डिफरेंट डिवाइस नेक्स्ट टाइम, ताकि थोड़ा सा नेटवर्क हमारे पास सही से चले. ओके, आवाज आ रही है? हेलो. आ रही काफी.
ठीक लाइक आई सेड ये चीज जो है हमारे हाथ में मेरे हाथ में रही नहीं है. ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा इशू है नेटवर्क का. वैसे नॉर्मली यहाँ यूनिवर्सिटी में सही चल रहा था, आज सुबह से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है नेट, तो इट हैज दैट इफेक्ट. बहरहाल आई एम कंटिन्यूइंग मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. होपफुली व्हाट आई विल डू कि आई विल अपलोड दिस मटेरियल्स ऑन नेट ताकि आप इसको रेफर कर सके. ठीक है. सो continuing from there, so when we talk about file formats, again basically file formats ka bhi yahi matlab hai ke you save this pixel information in a file. Pixel information meaning that which pixel has which particular color aur us pixel ki kis location pe wo usko display karna. Theek hai, to ye information hum files mein save karte hain. To jab hum file formats ki baat karte hain with images, to uska basically yahi aspect hai backend pe कि वो जो पिक्सेल इन्फॉर्मेशन है कि किस पिक्सेल पे कौन सा कलर आना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन हम फाइल में सेव कर रहे हैं ताकि जब दोबारा उसको मैं डबल क्लिक करूं तो वो इन्फॉर्मेशन उस फाइल में से रीड करके वो तस्वीर को मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा सकूं. इसी तरह से जब हम गिफ इमेज की बात करते हैं तो गिफ इमेजेस आर कंसिडर्ड एज एन 8-bit कलर इमेजेस. गिफ इमेजेस और गिफ स्टैंड फॉर ग्राफिकल इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट. ये एक फाइल फॉर्मेट था स्पेसिफिकली बनाया गया था यूनिसेस कॉर्पोरेशन वालों ने. ठीक है. इस फॉर्मेट को हम कहते हैं ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट. बेसिकली वो इंटरचेंज करता है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो कलर्स हैं वो इंटरचेंज हो रहे होते हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बेस्ड ऑन द इमेज दैट वी क्रिएट. अब ये 8-bit कलर इमेज कहलाती है. गिफ जो है हमारे पास जितनी भी हम कंप्यूटर में सेव करते हैं बेसिकली वो 8-bit होती है. 8-bit के बारे में हमने लास्ट टाइम भी क्लास में पढ़ा था कि 8-bit का बेसिक मतलब ये कि उसके अंदर हमारे पास 0 से मैक्सिमम 255 की एक रेंज बैठती है. Which again means that when we use 8-bit images, it has from 0 to 255 range of colors only. जो total तादाद 256 बनती है. ठीक. तो GIF image हमारे पास एक 8-bit image है. ऐसी image जिस image के अंदर maximum जो pixels के अंदर color आ सकता है, वो 0 से 255 की range के अंदर मौजूद एक color आ सकता है. क्योंकि इससे ज़्यादा bit value उसके पास each pixel के पास है ही नहीं. ओके. तो इससे ये होगा कि ये इमेज जो बनती है इसमें बड़ी लिमिटेड अमाउंट ऑफ कलर्स हमारे पास क्रिएट होते हैं और बड़े स्पेसिफिक और डिस्टिंक्टिव कलर्स होते हैं. इससे बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ कलर्स हम इसमें नहीं दे सकते क्योंकि सिर्फ मखसूस हमारे पास एक महदूद नंबर आ जाता है. व्हाई? अगेन बिकॉज ईच पिक्सेल के जो मेमोरी साइज एलोकेट की जाती है वो 1 bit है, तो 1 byte है सॉरी, और 8 bits. ठीक है. तो 8 बिट्स मैक्सिमम एक पिक्सेल को दिए जाते हैं मेमोरी के अंदर और उस 8 बिट में मैक्सिमम नंबर जो आ सकता है वो 255, मिनिमम 0. इस वजह से जो कलर का डेटा हम सेव कर सकते हैं वो भी मैक्सिमम 0 से 255 के दरमियान का ही कोई कलर हो सकता है. तो इसीलिए हम 8 GIF इमेजेस को कहते हैं कि दे आर वेरी सिंपल प्रिमिटिव टाइप ऑफ इमेजेस, वेरी लो रेजोल्यूशन. इनकी वैल्यू, कलर वैल्यू बहुत लो होती है, सिर्फ 255 कलर्स हम रख सकते हैं. ठीक. इसके एक Each pixel जो है वो हमारे पास 1 byte ले रहा होता है. अब होता यह है कि हमारे पास जितने भी कलर्स हैं हम उनको इवेंचुअली रिड्यूस करके उसकी एक स्पेसिफिक पैलेट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं जो उसमें सिर्फ 256 कलर रखे जाते हैं. टेक्निकली हम मिलियंस ऑफ कलर्स पे बात कर सकते हैं लेकिन GIF इमेज के ऊपर जब आते हैं तो वो कलर्स मिलियंस में से रिड्यूस होकर स्पेसिफिकली 256 रह जाते हैं बस. GIF जो है वो एक कलर मैप यूज करता है 256 का पॉसिबल आरजीबी वैल्यूज कंटेनिंग इन अ फाइल. ओनली 8-bit इंडेक्स इज ट्रांसमिटेड फॉर ईच पिक्सेल दैट कंटेन्स द क्लोजेस्ट मैच वगैरह वगैरह. ठीक है. वही बात कि आपके एक पिक्सेल के ऊपर एक 256 में से कोई एक वैल्यू आता है और उस पिक्सेल के ऊपर दरहकीकत हम एक इंडेक्स नंबर, एक इंडेक्स वैल्यू रख रहे होते हैं. ठीक है. अब इसका जो मेजर एक एस्पेक्ट ये होता है कि GIF जब हम यूज कर रहे होते हैं तो GIF के अंदर क्योंकि मखसूस 256 कलर्स हैं तो वो फिक्स्ड कलर्स नहीं होते. ठीक है. इसीलिए इसको इंटरचेंज कहा जाता है. इंटरचेंज का बेसिकली मतलब ये कि उसके अंदर जो कलर इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो रही होती है कंटिन्यूसली. सो फॉर एग्जांपल मैंने एक तस्वीर ली, आई थिंक मेरे पास एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, मैंने पिक्चर्स मिस आउट कर दिए. ठीक है, शायद आगे आएंगे. इसमें अगर हम कोई तस्वीर ले रहे हैं, ठीक है, और वो तस्वीर के अंदर जैसे एक आइकॉन आ गया या मेरी ही अभी आपको पिक्चर नजर आ रही है, इसको अगर मैं एज अ गिफ्ट सेव करूंगा तो व्हाट हैपेंस के जो कलर्स मेरी तस्वीर के अंदर मैक्सिमम इस्तेमाल हो रहे हैं वही कलर्स हमारी गिफ्ट के अंदर रखे जाएंगे. इसकी जो कलर टेबल बनती है वो इंटरचेंजेबली चेंज होती रहती है. ठीक है. और वो सेम टेबल हम कॉन्स्टेंटली या एक सेम फिक्स कलर इस्तेमाल नहीं करते.
इसी तरह से अगर मैं कोई एक आइकॉन यूज कर रहा हूँ तो उस आइकॉन के अंदर अगर येलो और येलो के शेड ज्यादा है तो जो गिफ की इमेज बनेगी तो उसके पीछे उसका एक पैलेट बनता है, एक टेबल बनती है, उस टेबल के अंदर मैक्सिमम येलो के शेड्स होंगे। अगर मैं एक तस्वीर बना रहा हूँ जिसके अंदर ब्लू और ग्रीन के शेड्स ज्यादा हैं, उसमें ब्लू और ग्रीन कलर ज्यादा है, दरख्त और ट्रीज और आसमान ज्यादा है, तो अब जो वो होगी वही गिफ होगी वही 8-bit, लेकिन जो उसके बैकएंड पे कलर टेबल बनेगी वो टेबल जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, उसके अंदर जो उसको कलर रिड्यूस कर दिए जाएंगे ओनली टू दोस कलर्स जो के आपके उस सिस्टम के अंदर उस तस्वीर के अंदर मौजूद है। मीनिंग कि हर गिफ्ट की एक अलग अलग टेबल बनती है, हर गिफ्ट के अंदर बैकएंड पर एक टेबल बनाई जाती है कि इसके किस पिक्सल पे कौन सा कलर मौजूद है। आई थिंक ये चीज हमने लास्ट टाइम भी क्लास में डिस्कस की थी, और लेट मी आई थिंक ओपन दैट पिक्चर अगेन, and if I go inside this thing here, ठीक है, यहाँ पे हमने बात की थी, ठीक है। तो for example ये एक हमारे पास gif image की table typically आ जाती है। इसमें क्या होता है कि pixel 2 जो है उसको कौन सा कलर है, pixel 1 पे कौन सा कलर होगा, pixel 0 पे कौन सा कलर होगा, every pixel is basically changing color, ठीक है। इसका मतलब ये कि हर जी बच्चा एक सेकंड, ठीक, आई होप आप लोगों को कलर स्क्रीन नजर आ रही हो, नजर आ रही होगी। यस सर। ठीक, थैंक यू बॉस। चले ठीक, सो इन दिस केस फॉर एग्जाम्पल अगर यही इमेज में उठाऊं तो यहाँ पे क्योंकि अब येलो कलर ज्यादा तो इसके जो बैकएंड पे जो टेबल बनेगी उसमें इसी कलर के शेड्स हमारे पास ज्यादा होंगे। बैकएंड पे इसकी टेबल कैसे बनती है, बैकएंड पे जो इसकी टेबल बनेगी वो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनती है कि ईच कलर इन अ मेमोरी हैज अ पर्टिकुलर आरजीबी वैल्यू। ओके, मीनिंग कि अगर ये पिक्सल है तो इस पिक्सल के ऊपर एक स्पेसिफिक आरजीबी वैल्यू है, दूसरा पिक्सल होगा उसके ऊपर स्पेसिफिक आरजीबी वैल्यू होगी, तीसरा पिक्सल उसके ऊपर आरजीबी वैल्यू होगी। वो वैल्यू डायरेक्टली पिक्सल को असाइन नहीं की जाती, इनफैक्ट बैकएंड पे एक टेबल बनाई जाती है, इसको हम कहते हैं कलर लुकअप टेबल। ओके, दिस इज नोन एज अ कलर लुकअप टेबल। इस कलर लुकअप टेबल का काम ये है कि वो आपकी पिक्सल की इंडेक्स नंबर रखेगा, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दिस पिक्सल इंडेक्स नंबर बेसिकली वो इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास वो शो कर रहा होगा। तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास इस पिक्सल में हमारे पास आ रही है वही इंफॉर्मेशन हमारे पास वो पिक्चर के ऊपर फाइनली शो करेगा। So for example, again, अगर ये 0 है तो 0 index में RGB value, 1 पे है तो 1 पे specific RGB। तस्वीर के अंदर actually हम color information ही index number save करते हैं। ये जो table बनेगी, इस table के अंदर maximum में 255 colors की information रख सकते हैं। 255 unique colors, that's it. So maximum 255 specific unique colors can be saved in this particular table. Okay, and only these colors are then used in your image. So each image के अंदर pixel, उस pixel के ऊपर एक specific number map किया हुआ होगा table में। ये जो table है, इसको हम color lookup table कहते हैं, color palette कहते हैं। ये GIF images use करता है, और ये table हर image के अंदर अलग-अलग होती है। If you take two GIF images, तो वो same color lookup tables use नहीं करता। हर GIF image अपने हिसाब से अपनी color lookup table को change करता है, update करता है, modify करता है, और वो कलर्स को इस्तेमाल उसी ही बेस पे करता है कि यार मेरी तस्वीर के अंदर कौन से कलर्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। क्रिएशन के वक्त ये चीज GIF के अंदर की जाती है, ठीक है, इसीलिए GIF थोड़ी सी टेक्निकल ज्यादा है और दे टेंड टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन मोर एक्यूरेट फॉर्म बिकॉज दे ओनली कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक कलर्स जो कि आपकी तस्वीर में यूज हो रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम वहां पे आता है जब आपकी कलर तस्वीर के अंदर बहुत ज्यादा कलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर वहां पे वो कलर्स रिड्यूस हो जाते हैं और क्वालिटी रिड्यूस कम हो जाती है। अब मैं इनकी यूजेबिलिटी के ऊपर आता हूँ कि हम GIF कहाँ यूज करते हैं, JPEG कहाँ यूज करते हैं, बाद में इसको डिस्कस करते होते हैं, ठीक है। तो GIF के हिसाब से ये चीज आ जाती है हमारे पास, हमें इसको थोड़ा सा मद्देनजर रखना होता है। इसकी मेन प्रॉपर्टीज हमारे पास ये आती है कि GIF इज बेसिकली 8-bit और 1-byte कलर इमेज, इट यूजेस 256 कलर्स, इट हैज समथिंग कॉल्ड कलर लुकअप टेबल। ओके, दैट कलर लुकअप टेबल इज बेसिकली एन इंटरचेंजेबल, मीनिंग इट इज नॉट फिक्स्ड, मीनिंग के हर GIF इमेज के साथ वो कलर लुकअप टेबल तब्दील होती रहती है। द वे GIF वर्क्स इज कि उसकी तस्वीर के ऊपर एक पिक्सल है, उस पिक्सल को कलर नहीं बल्कि उसका इंडेक्स नंबर असाइन किया जाता है कि इस पर्टिकुलर पिक्सल को कौन सा इंडेक्स है, वो इंडेक्स उसकी टेबल पर मैप किया जाता है, वो मैप के हिसाब से फिर उस मैप पे जाके
वो चेक किया था कि अच्छा इंडेक्स वन है तो इंडेक्स वन पे कौन सा कलर आना चाहिए, इंडेक्स टू है तो उस पर कौन सा कलर आना चाहिए, इंडेक्स थ्री है तो कौन सा कलर आना चाहिए। तो इस तरह से क्या एडवांटेज हमें मिला कि हम तस्वीर की पिक्सल्स के साथ टेम्पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी बैकएंड पे जो कलर लुकअप टेबल है उस टेबल को हम अपडेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो उसकी तस्वीर की कलर्स हैं वो हम हर डिफरेंट कलर के ऊपर चेंज कर सकते हैं। ओके, ऑब्वियसली इट हैज इट्स लिमिटेशंस, इट हैज इट्स प्रॉब्लम्स, मैं अभी उस पर बात आगे करते हैं। एक और चीज जो इस स्लाइड में मेंशन नहीं है, जो गिफ इमेज की सबसे मेजर प्रॉपर्टी है, ठीक, वो ये है कि गिफ इमेज इज एबल टू सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी। ठीक, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि बिकॉज इट हैज अ पिक्सल एंड कलर लुकअप टेबल, तो वहां पे कुछ पिक्सल्स में एक दो नंबर ऐसे रखे जाते हैं कि देयर इज नो कलर इंफॉर्मेशन। ठीक, उस पे कोई कलर नहीं होता, वो ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स जीरो, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक, वॉट दैट बेसिकली मीन्स कि अगर इंडेक्स जीरो है तो उस इंडेक्स जीरो पे मैंने आर की वैल्यू भी ब्लैंक कर दी, वाई ग्रीन की वैल्यू भी ब्लैंक कर दी और ब्लू की वैल्यू भी ब्लैंक कर दी। Now that means that there is no color information in that particular sense. अब जब मैं index 0 किसी pixel को assign करूंगा, तो होगा ये कि 0 के ऊपर pixel के ऊपर 0 index आ गया। जब वो table में जाएगा तो table में कोई color information नहीं है। Hence वो उस particular pixel के ऊपर कोई color नहीं दिखाएगा, जिसकी वजह से वो pixel transparent हो जाता है। This becomes one of the powerful features of GIF image, जिसकी वजह से आज तक हम GIF को बड़ी commonly इस्तेमाल कर रहे हैं। GIF image supports transparency. Transparency का मतलब ये कि selected area सिर्फ आपका तस्वीर का नजर आ रहा है, बाकी इर्द गिर्द सारा ट्रांसपेरेंट हो गया। तो हम ये कस्टमाइजेशन GIF के अंदर बड़े आराम से कर सकते हैं, और वो इस तरह से की जाती है कि उन pixels को जिनको मुझे ट्रांसपेरेंट करके दिखाना है, मैं कलर इन्फॉर्मेशन उसकी टेबल में देता ही नहीं, कलर इन्फॉर्मेशन हटा दी, वो उसको ब्लैंक रखा। अब जब उस कलर उस पिक्सल पर आएगा तो उस पिक्सल के ऊपर तो कोई कलर ही नहीं होगा, तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज दैट इट बिकम्स कंप्लीटली ब्लैंक। इन अदर वर्ड्स टेक्निकली हम उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इज वन मेजर फीचर ऑफ GIF इमेजेस, बी अलोंग विद दिस 8 बिट 256 कलर स्कीम, हैविंग कलर लुकअप टेबल, बीइंग एबल टू सपोर्ट समथिंग कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। और वो सपोर्ट अगेन इसी तरह से की जाती है कि हमने उसकी कलर इन्फॉर्मेशन को हटा देते हैं। तीसरी जो एक मेजर एस्पेक्ट है GIF इमेज का, वो है एनिमेशन का। GIF is able to support multiple pictures per file. GIF is able to support multiple animations per image. Okay, तो वो उसमें होगा ये कि होगी बेसिक एक ही इमेज, लेकिन उस इमेज के ऊपर हम लेयर्स की सूरत में मल्टीपल पिक्सल इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ पिक्सल इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, और उसके ऊपर फिर हम एक इंटरनल टाइमर लगा जाता है कि वो किस तरह से साइकिल करें लेयर्स के ऊपर। एक वक्त में एक ही लेयर दिखाई जाएगी, लेकिन उसके हम टाइम लगा देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक इमेज जो है वो 10 सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए है, फिर दूसरे सेकंड में दूसरी है, फिर तीसरे सेकंड में तीसरी है, फिर चौथे सेकंड में चौथी है। इससे ये होता है कि वो इमेज जो है हमारी वो एक एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक, और ये GIF इमेजेस हम कॉमनली जो है अक्सर फेसबुक वगैरह या मोबाइल पे या अक्सर वेब ब्राउजर्स पे देख रहे होते हैं, जिसमें एनिमेटेड GIFs हमें नजर आती है। वो सिंपली क्या होता है कि वो एक GIF इमेज होती है और उस GIF के अंदर लेयर्स में मल्टीपल पिक्सल इंफॉर्मेशन सेव की जाती है, और वो इंफॉर्मेशन को एक टाइमर के साथ कंट्रोल किया जाता है। सो दिस अगेन इज अ वेरी पावरफुल फीचर ऑफ GIF दैट इट सपोर्ट्स एनिमेशन, मीनिंग मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम उसमें शो कर सकते हैं। ये चीज जेपीजी के अंदर नहीं होती, हम डिफरेंस पे आगे बात करते हैं। जेपीजी जब आते हैं तो जेपीजी स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। This is one of the most commonly used image file formats. ठीक, बहुत popularly, बहुत commonly हमारे पास इस्तेमाल की जाती है। इस file format का जो major aspect है वो इसकी बड़ी simplicity है and higher color representation है। JPG is typically a 24-bit image or in other words 3-byte image. इसका मतलब ये कि each pixel in a JPG is able to support 3 bytes. हर पिक्सल इस तस्वीर में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 3 bytes लेता है, टिपिकली अनकंप्रेस्ड। ठीक है, 3 bytes का मतलब ये कि उसके पास ये सलाहियत होगी जेपीजी के पास कि वो रेड ग्रीन ब्लू की मैक्सिमम वैरायटी को रिप्रेजेंट कर सके, जिसकी वजह से होगा कि अब रेड के ऊपर 3 bytes आ जाएंगे, ग्रीन के ऊपर 3 bytes आ जाएंगे, ब्लू के ऊपर 3 bytes आ जाते हैं, और उनकी कॉम्बिनेशन से जो हमने क्लास में भी थोड़ी सी बहस की थी, तकरीबन 16 मिलियन कलर्स की हमारे पास रेंज आ जाती है। सो जेपीजी बिकेम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ वन मेन रीजन दैट इट इज अ 24-bit इमेज, बिकॉज इट इज एबल टू रिप्रेजेंट 20 अप्रोक्सीमेटली 16 मिलियन कलर्स।
ठीक वो 16 मिलियन कलर्स को रिप्रेजेंट करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, इसी वजह से दुनिया का हर सिस्टम ने जेपीजी के पास गया कि यार एक गिफ एक अपनी जगह मौजूद है, लेकिन गिफ बड़ी लिमिटेड सिर्फ 256 कलर्स दिखाने की सलाहियत रखता था। हाउएवर जब हम जेपीजी की बात करते हैं तो जेपीजी में ये सलाहियत थी कि इट इज एबल टू रिप्रेजेंट 16 मिलियन कलर्स, 256 ऑफ रेड मल्टीप्लाइड बाय 256 ऑफ ग्रीन मल्टीप्लाइड बाय 256 ऑफ ब्लू। तो आरजीबी में रेड के 256 कलर्स अलग कर दिए, 256 ब्लू के अलग कर दिए, 256 ग्रीन के अलग कर दिए। तो रेड ग्रीन ब्लू के 256 मल्टीप्लाई किए तो हमारा अप्रोक्सीमेटली 16 मिलियन शेड्स आ गए। अब 256 ऑफ रेड का अगेन मतलब ये हुआ कि उसके पास 256 शेड्स ऑफ रेड आ गए, 256 ऑफ ब्लू का मतलब ये हुआ कि उसके पास 256 शेड्स ऑफ ब्लू आ गए, फ्रॉम वेरी डार्क ब्लू जो प्योर ब्लैक हो जाता है टू वेरी लाइट ब्लू जो प्योर व्हाइट हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास जो है इसकी कलर रेंजेस ग्रीन की बढ़ती है। ठीक, दूसरा जिसका सबसे मेजर एस्पेक्ट ये आता है कि जेपीजी के अंदर हम जो है एक ह्यूमन विजन टू अचीव हाई रेजोल्यूट कंप्रेशन एज वेल। ठीक, इवन दो हम उसमें बात करते हैं कि यार उसमें हर पिक्सल 3 bytes लेता है, इसका मतलब ये कि अगर उसमें 100 pixels हैं तो वो 300 bytes की एक तस्वीर बनेगी, अगर उसमें 1000 pixels हैं तो वो 3000 bytes की बनेगी। इवेंचुअली जितने पिक्सल्स बढ़ाते जाएंगे उसकी फाइल साइज बहुत बढ़ती जाती है। तो उसमें फिर एक और एस्पेक्ट उन्होंने डाल दिया था कंप्रेशन का। जेपीजी टिपिकली इज एक्चुअली अ कंप्रेशन एल्गोरिथम। जेपीजी जो इनिशियल फाइल फॉर्मेट बनाया गया था वो 24-bit इमेज को लेकर उसके पिक्सल्स को कलर इन्फॉर्मेशन देकर, पर अब उसका एडवांटेज हुआ कि वो बहुत बड़ी फाइल साइज बन रही थी। तो फिर इस जेपीजी को एक एल्गोरिथम बनाया गया जिसको नाम दिया गया था जेपी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये एक्चुअल में एक कंप्रेशन एल्गोरिथम है कि यार अगर मैं एक 24-bit इमेज उठाता हूँ और उसमें मैंने इतने कलर्स डाले तो अब उसको मैं किस तरह से कंप्रेस करके एक फाइल की सूरत में लाऊं ताकि उसकी फाइल साइज भी ज्यादा ना हो और कलर एक्यूरेसी भी हाई हो। कंप्रेशन एल्गोरिथम है जेपीजी, जिसको फिर फाइल फॉर्मेट के तौर पर रखा गया, जैसे हम जिप यूज करते हैं, ठीक है, या विनरार यूज करते हैं। तो जेडआईपी इज ए कंप्रेशन फॉर्मेट जिप का, विनरार एक कंप्रेशन फॉर्मेट है रार फाइल का। इसी तरह से 7UP है या हमारे पास ISO है, तो ये कंप्रेशन के एक एल्गोरिथम्स है और उसी के फॉर्मेट के ऊपर हमारे पास फाइल्स बनी हुई है। तो जेपीजी भी बेसिकली एक कंप्रेशन फॉर्मेट है, एक कंप्रेशन एल्गोरिथम है, उसी के नाम से ही फाइल को सेव किया जाता है। ठीक, इसमें क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हमने फाइल्स बनाई थी तो फाइल्स जो हमारे पास वो 1 pixel 3 bytes ले रहा था। तो इसका इवेंचुअली नतीजा ये निकला कि कलर रेंज बहुत जबरदस्त आई, बड़े जबरदस्त मिलियंस ऑफ कलर्स हम दिखाने की सलाहियत रख रहे थे। प्रॉब्लम ये आया कि वो मिलियंस ऑफ कलर्स के अंदर से हमारे पास जो फाइल साइज थी इवेंचुअली बहुत बढ़ने लग गई। अगर आप 1024 रेजोल्यूशन की इमेज उठाते हैं तो उसमें लाखों पिक्सल आ जाते हैं, उस हिसाब से उसमें जो फाइल साइज थी वो भी मेगाबाइट्स में चली गई। दिस स्टार्टेड क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम। तो इस वजह से व्हाट वाज नेक्स्ट नेसेसरी टू बी डन वाज कंप्रेशन, तो उसको फिर कंप्रेस किया गया। अब ये कंप्रेशन का जो एल्गोरिथम था इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आगे चल के बात करूंगा कि कैसे कंप्रेशन की गई थी। फॉर नाउ वी जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि इसमें कंप्रेशन होती है। अब जब हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो बेसिकली जेपीजी की जो एक एडवांटेज इस वक्त करंट स्टेट में हमारे पास एक और है कि इट इज एबल टू डू लॉसी कंप्रेशन एज वेल एज लॉसलेस कंप्रेशन। दो कंप्रेशन की बात आ गई, एक कहलाती है लॉसी और एक कहलाती है हमारे पास लॉसलेस। ठीक है, हेलो लॉसी कंप्रेशन और एक कहलाती है हमारे पास लॉसलेस कंप्रेशन। ओके, दीज आर बोथ टाइप ऑफ कंप्रेशन एंड आई थिंक आपने इसका बारे में पहले भी सुना हुआ होगा। ओके, दीज आर टाइप ऑफ कंप्रेशन दैट वी डू और जनरली नो मैटर वेयर यू गो यू वुड फाइंड दीज टू टाइप्स ऑफ कंप्रेशन बीइंग डन। ओके, लॉसी कंप्रेशन एंड लॉसलेस कंप्रेशन, चाहे वो डेटा के अंदर हो, चाहे वो इमेज के अंदर हो, चाहे पिक्सल्स के अंदर हो, चाहे बैंडविड्थ के अंदर हो, चाहे स्पेक्ट्रम सिग्नल्स हो, चाहे वेवलेंथ की सिग्नल्स हो, जनरली ये दो मेजर कैटेगरीज ऑफ कंप्रेशन की आती है, लॉसी एंड लॉसलेस। लॉसी कंप्रेशन मीन्स वेयर डेटा इज लॉस्ट, ठीक है, जहां पर डेटा लॉस होता है, इसीलिए उसका नाम लॉसी कहा गया। लेकिन ऑल्सो फाइल साइज इज रिड्यूस्ड टू मिनिमम, ठीक है, ये इसका एक और एडवांटेज हमारे पास आ जाता है कि डेटा इज लॉस्ट इन द लॉसी लेकिन फाइल साइज इज ऑल्सो रिड्यूस टू मिनिमम, जिसमें डेटा थोड़ा लॉस होता है लेकिन फाइल साइज भी कम से कम मिलती है इस कंप्रेशन के अंदर। लॉसलेस इज बेसिकली वेयर मैक्सिमम डेटा
QUA quality is retained, लेकिन इसकी जो डिसएडवांटेज आता है कि लार्ज फाइल साइज कहां गया, एस आई जेड, ठीक है, इसका जो डिसएडवांटेज आता है वो ये आता है, इसीलिए इसको कहा गया लॉस लेस, इसमें लॉस कम होता है, इसमें मैक्सिमम डेटा क्वालिटी रिटेन की जाती है, मैक्स डेटा की क्वालिटी मैक्सिमम रखी जाती है, इवेंचुअली इसकी कॉन्सिक्वेंसली बनता है कि उसकी फाइल साइज बड़ी लार्ज बन जाती है, ठीक है। जेपीजी के अंदर एक्चुअली इस वक्त जो करंट एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं जेपीजी स्टैंडर्ड का, ये दोनों चीजें सपोर्टेड है, इसी वजह से भी जेपैक इज बिकमिंग एक्सट्रीमली पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल जब आप डीएसएलआर कैमरास के ऊपर हम जाते हैं, ठीक है, डीएसएलआर कैमरास की एक फाइल साइज अप्रोक्सीमेटली 25 मेगाबाइट्स की बनती है, 240 मेगाबाइट्स की भी बनती है, डिपेंडिंग ऑन आपने कैमरा की सेटिंग्स कैसे की, ठीक है, ये जेपीजी फाइल बनती है। तो इफ यू आर यूजिंग डीएसएलआर कैमरा, बिकॉज डीएसएलआर हैव द कैपेबिलिटी ऑफ अ हायर रेजोल्यूशन, हायर पिक्सल इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन इट, और उसमें इनिशियली मिनिमम कंप्रेशन की जाती है जिसको लॉसलेस एल्गोरिथम के तहत फॉलो किया जाता है, तो उसकी फाइल साइज बहुत ज्यादा होती है। आप जो आजकल अपने मेगापिक्सल उठा रहे हैं फॉर एग्जांपल कैमरा का, ठीक है, सेलफोन कैम जो कैम हमारे पास कैमफ्रास है, ठीक है, सेल कैमरा जो हम क्या कह लें, तो वो अगर 13 मेगापिक्सल का कैमरा है तो उसकी टिपिकल फाइल साइज हमारे पास 2 मेगापिक्सल से स्टार्ट होती हुई 6 मेगापिक्सल तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर कैमरा सेटिंग्स एंड योर कैमरा प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यू कैन ऑलरेडी इमेजिन हियर के अगर DSLR है तो उसमें क्योंकि कलर इन्फॉर्मेशन ज्यादा है तो उसकी एक फाइल साइज 25 से 40 मेगापिक्सल की बनती है। वही तस्वीर वही एनवायरनमेंट अगर आप अपने मोबाइल के कैमरा से ले रहे हो तो मोबाइल का जो कैमरा है हमारा वो 13 मेगापिक्सल का होता है टिपिकली, अगर हम उसी की बात करें 13 मेगापिक्सल की, ठीक है, तो 13 मेगापिक्सल कैमरा रेंडर्स एन इमेज समवेयर फ्रॉम 2 मेगापिक्सल टू 6 मेगापिक्सल, तो ये हमारे पास उसकी साइज की लिमिट आ जाती है, विच इज अगेन सब्सटेंशियली रिड्यूस फ्रॉम 24 मेगापिक्सल। अगर आप इसकी कैमरा की साइज और अगर कम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 मेगापिक्सल कर रहे हैं, यू वुड फाइंड कि उसकी जो इमेज होगी वो 500 केबी से लेकर 2 MB के दरमियान में हमारे पास बनती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अगेन कैमरा साइज वेरिएशन पिक्चर्स क्या कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मेगापिक्सल कम हो रहा था फाइल साइज भी कम हो रही थी, और फिर कंप्रेशन करते करते जेपीजी की इमेज को मैं 500 क्या 100 केबी की इमेज भी बना सकता हूं, depending on my compression. तो अगर मैं 100 MB की बना रहा हूं तो now this is called a lossy image. अब I can do that, ठीक है? I can take a DSLR image which is 25 MB. मैं उसको compress करके 2-6 MB तक भी ला सकता हूं. मैं उसको further compress करके 2 MB तक भी ला सकता हूं. मैं उसको और भी ज्यादा compress करके 100 KB तक भी ला सकता हूं. Eventually इन सब का format जो होगा वो JPG रहेगा, ठीक है? तो I can take one image. Okay, उसकी इनिशियल जो साइज होगी फॉर एग्जाम्पल मैं उसको 20 मेगापिक्सल चले कर लेते हैं, 20 एमबी की कर सकते हैं हम, उसी फाइल को मैं 200 KB, ठीक है, एंड दे ऑल विल हैव .jpg एक्सटेंशन। दिस इज ऑल डन बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड कंप्रेशन। हम इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं और ये जेपीजी एक कंप्रेशन एल्गोरिथम है, इसमें सपोर्ट होता है लॉसी एंड लॉसलेस। ये लॉसलेस कंप्रेशन हो गया और आहिस्ते आहिस्ते ये वहां तक पहुंचेगा तो लॉसी। अब जब एक इमेज को जो 20 एमबी की थी मैं 200 किलोबाइट्स पे ले आया हूं तो इवेंचुअली डेटा आपका बहुत हद तक लॉस होता है, ठीक है, दिस इज वेयर कंप्रेशन कम्स इनटू प्ले। लेकिन क्योंकि जेपीजी इसको सपोर्ट करता है इसीलिए जेपीजी दुनिया में हर जगह पे पॉपुलरली इस्तेमाल होने लग गया। डिपेंडिंग ऑन योर नीड हम अपनी इमेज को ट्रांसफर कर सकते, ठीक है, सो दिस इज व्हाट जेपीजी अलाउज अस टू डू। वी विल टॉक अबाउट कंप्रेशन इन अ मोमेंट, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, वो अलग से एक पूरा एस्पेक्ट दिया हुआ है। सो इफ यू लुक इनटू दिस पर्टिकुलर इमेज, दिस इज एन इमेज दैट हैज अ क्वालिटी ऑफ 10%, ओके, सो दिस इज एन इमेज दैट हैज अ क्वालिटी ऑफ 10%। लेकिन इस 10 ओरिजिनल इमेज से, ठीक है, जो ओरिजिनल इमेज मैंने बात की थी कि मेरे पास ओरिजिनल 20 एमबी की इमेज है, उसकी क्वालिटी मैंने रिड्यूस करके 200 केबी या 10% पे लेकर आ गया फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइज,
ओके तो इमेज ओरिजिनल साइज का ये 1.5% बना हुआ है. तो अगर ओरिजिनल डीएसएलआर से ले रहा हूं तो उसकी जो 100 गुना तस्वीर होगी ये उसका सिंपली एक 1.5% है विद 10% ऑफ क्वालिटी. इतनी ज्यादा हमने फाइल साइज को रिड्यूस किया. ये जो मैंने अभी एग्जांपल यहां पे दिया फ्रॉम 200 to 200 KB 20 MB to 200 KB स्टिल यू कैन सी दिस इमेज इज गुड रीजनेबली रिप्रेजेंटिंग. जहां पे फायर लगी हुई है वी कैन सी द फायर, वी कैन सी द एनिमल्स, वी कैन सी द ओशन, हमें ट्रीज नजर आ रहे हैं वगैरह वगैरह. Obviously, थोड़ा सा गौर से अगर हम देखें तो वी कैन सी पिक्सेलेटेड इन्फॉर्मेशन. ये पूरा ग्रीन एरिया नजर आ रहा है मुझे, बुशेस क्लियर नजर नहीं आ रही, ये दरख्त है इनकी पता नहीं चल रहा किस टाइप का दरख्त है, एनिमल शायद मैं क्लियरली वाजे नहीं देख पाऊँ कि कौन सा एनिमल यहाँ पे खड़ा हुआ है, ओशन के कुछ वेव्स के ऊपर पिक्सल्स हैं हमें क्लियर पानी का पता नहीं चल रहा, लेकिन स्टिल वी आर फ्रॉम अ डिस्टेंस एबल टू अंडरस्टैंड कि ठीक है यार ये सीनरी इमेज है, पीछे फायर लगी हुई है, फायर स्पेकल्स हैं, दरख्त हैं, फॉरेस्ट है वगैरह वगैरह. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग व्हाट वी कॉल